बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जो है बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो है कल घोषित हो गया है। और एक जो है यूपी बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा बोर्ड है वो, क्योंकि इसमें जो होता है हाई स्कूल इंटर में कई लाख बच्चे जो होते हैं शामिल होते हैं, और जो है ये इसमें सबसे बड़ा बोर्ड चल रहा है जो है यूपी बोर्ड का। और पहले तो आप लोग जितने पास हुए हैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा और इंटर जो होता है, ये आपके जीवन को जीवन का एक प्रथम सीढ़ी होता है, माने जैसे इसको कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप। तो हाई स्कूल जो होता है और इंटरमीडिएट जो होता है, ये हाई स्कूल फर्स्ट स्टेप है वो, उसके बाद सीढ़ी इंटरमीडिएट हो जाती है वो। अब आती है कि इंटरमीडिएट के बाद ही जो करियर तय होता है कि बच्चे कहाँ जाएंगे वो। अब जो हाई स्कूल पास हुए हैं वो तो जो है वो इंटर में मैथ साइंस या कॉमर्स लेंगे जो है वो, और जो इंटरमीडिएट पास हुए हैं ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास हुए हैं वो कुछ बच्चे तो कॉमर्स वाले होते हैं, कुछ साइंस वाले होते हैं और कुछ आर्ट वाले होते हैं वो, तो सभी में स्कोप है वो। इसकी बात नहीं है कि जो साइंस पढ़ा है उसको साइंस में सारा स्कोप है वो, कॉमर्स के भी स्कोप हैं वो, आर्ट के भी, कला के भी स्कोप हैं वो। और जैसे कि अगर साइंस में भी दो स्ट्रीम होते हैं वो, एक तो बायोलॉजी होता है दूसरा मैथ होता है वो। अब होती है कि बायोलॉजी के बाद अब आपको इंटर बाद आपको बीएससी बायो से करना है या नीट तैयारी करना है। इसके बाद तमाम सारे पैरामेडिकल कोर्स हो गए हैं वो, इसमें बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स जैसे कि दांत मतलब कि आँख का हो गया जो है वो, रेडियोथेरेपी हो गया वो। तो माने आप संस्थान का चुनाव करेंगे और अच्छे संस्थान का चुनाव करिए जो है वो, क्योंकि इसमें जो जो होता है माने जो कोर्स होते हैं ये कोर्स भी आजकल अच्छे उपयोगी चल रहे हैं जो है वो। और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो नीट के एग्ज़ाम में आप अच्छी तैयारी के लिए अच्छी पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि नीट में जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जिसमें कि जो होता है बायो में दो चीज़ होते हैं वो, एक बॉटनी होता है दूसरा जो होता है जूलॉजी होता है वो, और दोनों से 45 क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होता है वो भी इसमें से भी 45 क्वेश्चन आते हैं वो। तो ज़्यादा मानने कि इसमें ज़्यादा योगदान जो होता है जीव विज्ञान का होता है वो, क्योंकि इसमें से 90 क्वेश्चन होते हैं वो, और 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है वो। हालांकि जो सीट जो होती है इधर MBBS सीट बढ़ गई है, पहले सीट कम थी लेकिन सीट बढ़ गई है वो। इसी प्रकार से जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो मैथ में IIT इंजीनियरिंग अपना मतलब चूज करते हैं कि IIT करना है कि BTEC करना है, तो बहुत सारे संस्थान बच्चों इस तरह से हैं तो जो कि मैथ के लिए जो होता उपयोगी होते हैं वो। अब आती है इसके अलावा आप BSc भी कर सकते हैं वो, BSc में जो होता है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स, माने कि आपको BSc में इसके अलावा बहुत सारे अब जो है इसके अलावा अल्टरनेटिव कोर्स आ गए हैं वो, जैसे इन्वायरमेंट का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, ऐसे बहुत सारे जो होता है आप मतलब कि अल्टरनेटिव कोर्स हो गए हैं वो। जैसे लेकिन जो जैसे बेस्ट कमीशन होता है वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, माने कि जो BSc बायोस करना चाहते हैं वो सबसे अच्छा उनका उनके लिए पड़ता है बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो होता है जैसे अब कोई PCM कर रहा है उसका सबसे अच्छा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है वो, हालांकि सबके अल्टरनेटिव भी आ गए हैं वो, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है होता है वो। और दूसरी होती है कि आप जो है इस अब इंटर के बाद आप NDA की तैयारी कर सकते हैं वो, NDA जो होती है अच्छी सर्विस होती है वो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब आप इसी इंटर के बाद ही एयरफोर्स में आप जा सकते हैं वो, सेना में जा सकते हैं, तुम्हारे तमाम सारे जो होते हैं आपके लिए विकल्प खुले होते हैं वो। लेकिन इसके लिए आपको खुद का चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या करना है।
तो प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा हमारा जो है वो अच्छे जगह पर रहे। जब अच्छे जगह पर रहेगा तो उसका नाम सम्मान मान सम्मान जो होता है वो पिता का अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या चीज़ है कि अगर हवा चलती है वो, तो हवा एक साइड में चलती है वो, चाहे पूर्वा पश्चिमा हवा कहते हैं वो, लेकिन जाप एक ऐसा चीज़ होता है कि जाप पा जाने के बाद जो होता है चारों दिशाओं में जो होती है उसकी जो होती है वाहवाही होती है, मान इस बच्चे की वाहवाही होती है। इसलिए आप जो है अपने सहयोगियों से, शिक्षकों से आप ये सलाह करिए कि हमको हमारे लिए कौन सा कोर्स रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको चुनाव करना ही पड़ेगा कि हमें कौन सा कोर्स जो होता है करना है, आपकी इंटरेस्ट किस में है वो। क्योंकि पहले आपको इंटरेस्ट जागृत करना पड़ेगा कि हमें कौन सा कोर्स करना है और कि हमको जाना है वो। जब आप डिसाइड कर लिए तो फिर उस तरह के संस्थान आपको अच्छे कहाँ मिलेंगे। इसके लिए आपको मैगजीन में, पेपर्स में आए दिन जो है वो मतलब उसमें निकल गजट होता रहते हैं वो। आप अपने टीचर सलाह ले सकते हैं वो कि सर हमारे लिए अच्छा कोर्स रहेगा। तो बच्चों आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे रास्ते पर जाएं, आपके नाम का पिता आपका नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, इसके अलावा फिर तब सब आपके परिवार का नाम रोशन होगा, फिर परिवार से समाज बनता समाज नाम रोशन होगा, फिर प्रदेश का नाम रोशन होगा, फिर देश का नाम रोशन होगा। क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो दुनिया जो होती है वही देखती है कि आप जो है किस रास्ते जा रहे हैं। और भगवान करे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और जो है दिनों दिन आप उस फल को प्राप्त करें। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।